पाकिस्तान की वज़ी अज़म बेनज़ीर भुट्टो के नामजद करदा मंजूर वट्टू को गुजशत रोज़ वजीर अला पंजाब मुंतब किया गया था उन्होंने सियासी तौर पर अहम सूबे पर सबक़ वजीर आजम नवाज़ शरीफ की गिरफ्त को आसानी से शिकस्त दे दी मिस्टर वाटू ने दो सौ अड़तालीस रुकनी सूबाई असम्बली में एक सौ इकतीस वोट हासिल किए जबकि नवाज के छोटे भाई और उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीएमएल के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ को 105 वोट मिले पीएमएल 9 अक्टूबर को होने वाले सूबाई से पंजाब की वाद सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी थी जिसकी 106 सौ छह नशस्तें चौरानवे थीं और मोहतरमा भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी को 16 साल में यह पहला मौका है जब पी ने मुल्क के सबसे ज्यादा आबादी वाले और अमीर तरीन सूबे में इतदार संभाला है जिसका कंट्रोल वफाकी हुकूमत के इस्तेकाम के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है मिस्टर वाटू पीपीपी पी से वाबस्ता हामिद नासिर चटा की क्यादत में पी जोनेजो ग्रुप के रुकन हैं और सूबाई असम्बली में उनके पास अट्ठारह नशस्तें हैं गुज्त पंजाब असम्बली के स्पीकर की हैसियत से मिस्टर वाटू ने नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत की थी और जुलाई में सबक सदर गुलाम इसहाक खान का साथ दिया था जब दोनों अफराध इकतदार की तलख कशमकश में फंस गए थे फौज ने सियासी माहिदे पर बातचीत के लिए मुदाखलत की जिसके नतीजे में नवाज शरीफ और मिस्टर इसहाक खान दोनों मुस्तफ़ी हो गए और रवामा के अवाइल में स्नैप पोल का इनका किया गया इंतबात के नतीजे में मरकज और पंजाब शुमाल मगरबी सरहदी सूबा और बलूचिस्तान दोनों में तकसीम मैंडेट हासिल हुआ जहां किसी एक जमात को मुकम्मल अक्सरियत हासिल नहीं हुई ताहम मोहतरमा भुट्टो वफाकी सतह और पंजाब में आज़ाद उम्मीदवारों और फर्निच पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो गई मोहत्तरमा भुट्टो ने ख़बरदार किया था कि जब तक वो पंजाब पर काबिज़ नहीं होंगी वो मरकज़ी हुकूमत पर काबू पाने की सलाहियत में शदीद तौर पर कमज़ोर हो जाएंगी शुमाल मग़रबी सरहदी सूबे में नवाज़ शरीफ के नामज़द उम्मीदवार ने गुज़त रोज़ स्पीकर के अहदे के लिए मोहतरमा भुट्टो के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी असेंबली सक्रट्रियट ने बताया कि भारी सिक्योरिटी के दरमियान मिस्टर शरीफ़ की पी एमएल के मुश्तरक उम्मीदवार और उसकी इंती इतिहादी अवामी नेशनल पार्टी ये एन पी हिदायत ने टीके हरीफ़ अब्दुल अकबर के हासिल करदा सैंतीस के मुक़ाबले में चालीस वोट हासिल किए